नमस्कार, स्वागत है आपका तर्कश में। मैं हूं श्याम सुंदर और अब मेरे साथ बेहद ख़ास मेहमान मौजूद हैं, सीपीआईएम के अभी अभी चुने गए महासचिव सीताराम येचुरी। सीपीएम की 21वीं कांग्रेस में सर्वसम्मति से पार्टी के नए महासचिव चुने गए सीताराम येचुरी मिलनसार और सुलझे हुए नेताओं में माने जाते हैं। पिछले करीब दो दशक से वो पार्टी के शायद सबसे ज्यादा पहचान बनाने वाला चेहरा रहे हैं। 19 अप्रैल को उन्हें पार्टी का महासचिव चुना गया। पूर्व महासचिव प्रकाश करात के प्रस्ताव के बाद ही सारी अटकलों पर विराम लग गया। 21वीं पार्टी कांग्रेस के आखिरी दिन ये चर्चा का विषय था कि अगले 3 साल तक पार्टी किसकी अगुवाई में काम करेगी। लेकिन विशाखापत्तनम में पार्टी के सभी नेताओं ने राज्यसभा सांसद सीताराम येचुरी के नाम पर मोहर लगा दी। सीताराम येचुरी पर अब सीपीएम के नए महासचिव के नाते चुनौतियों से पार पाने की जिम्मेदारी होगी। सीताराम येचुरी ने पार्टी के दिग्गज नेता दिवंगत हरिकिशन सिंह सुरजीत के साथ पार्टी में काम करना शुरू किया और धीरे धीरे आगे बढ़ते गए। चेन्नई के तेलुगु भाषी परिवार में 12 अगस्त 1952 को जन्मे सीताराम येचुरी हैदराबाद में पले बढ़े। वहीं उनकी शुरुआती शिक्षा दीक्षा हुई। वहां 10वीं तक की पढ़ाई के बाद वो दिल्ली आ गए। 12वीं क्लास में वो सीबीएसई की परीक्षा में पूरे देश में नंबर 1 रहे। आगे अर्थशास्त्र में दिल्ली विश्वविद्यालय से बीए और एमए करने के बाद वो पीएचडी करने जेएनयू पहुंचे। यहीं से उनकी राजनीतिक जीवन की शुरुआत हुई। 1974 में वो सीपीएम के छात्र संगठन एसएफआई के सदस्य बने और अगले साल यानी 1975 में सीपीएम की सदस्यता ली। उसी साल देश में जब आपातकाल लगा तो येचुरी जेल भी गए। कुछ समय तक पार्टी के काम के लिए वो भूमिगत भी रहे। वो 1976 में जेएनयू छात्र संघ के अध्यक्ष चुने गए। उन्होंने अपने साथी प्रकाश करात के साथ मिलकर जेएनयू में वामपंथी आंदोलन को नई दिशा दी। 1978 में एसएफआई के अखिल भारतीय संयुक्त सचिव चुने गए और इसके बाद अखिल भारतीय अध्यक्ष बने। 1984 में सीपीएम ने उन्हें केंद्रीय समिति के लिए चुना। 1992 में पार्टी की 14वीं कांग्रेस में उन्हें सीपीएम पॉलिट ब्यूरो में जगह दी गई। उसके बाद से वो पार्टी के लिए कई अहम जिम्मेदारियां निभाते रहे हैं। इसके अलावा राज्यसभा में वो बेहद लोकप्रिय सांसदों में गिने जाते हैं और संजीदगी के साथ देश दुनिया के मुद्दों पर बहस में शामिल होते हैं। पार्टी के महासचिव बनने के बाद उनका जोर वाम मोर्चे को मजबूत करने पर है। सीपीएम को उम्मीद होगी कि सीताराम येचुरी की अगुवाई में पार्टी बेहतर प्रदर्शन करेगी। उन्हें भारतीय जनमानस का भरोसा जीतने में कामयाबी हासिल होगी। सीताराम येचुरी को लेकर दूसरी पार्टियों में भी सकारात्मक रवैया देखा जा रहा है। सीताराम येचुरी ने हरकिशन सिंह सुरजीत के साथ रहकर राजनीति और देश को बारीकी से समझा है। वो राजनीतिक हालात को बहुत तेजी से पढ़ते हैं। बेशक उनके सामने फिलहाल कठिन चुनौतियां हैं और कई चुनौतियां हैं, लेकिन लंबे तजुर्बे और तेज तर्रार शैली के चलते सीपीएम उनमें विस्तार की संभावनाएं देख रही है। सीताराम जी, बहुत बहुत स्वागत है तर्कश कार्यक्रम में आपका। आपको अभी चुना है पार्टी ने महासचिव। एक बड़ा टास्क है आपके सामने, क्योंकि ये वो वक्त है जब सीपीआईएम और वामपंथी पार्टियां मोटे तौर पर अगर कहें तो सबसे कठिन दौर में है। बिल्कुल सही। किसी भी पहलू से अगर आप देखेंगे तो हमारी परिस्थिति आज के दिन ऐसी कभी नहीं थी हमारे खुद के इतिहास में या देश के इतिहास में। पार्लियामेंट से में सबसे कम संख्या, असेंबलियों में सबसे कम संख्या, हमारी सदस्यता और जन संगठन जो हमारे साथ जो चलते हैं उनकी सदस्यता कुछ जगह पर बढ़ रही है, लेकिन उस तादाद से नहीं बढ़ रही है जितनी हमारी कोशिश और उम्मीद रही। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती है। अब चुनौती का सामना तो करना पड़ेगा और इस हालतों में पार्टी का एक किस्म के पुनर्विकास के लिए हमें जो है काम करना पड़ेगा। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। आपने महासचिव चुने जाने से पहले ही एक बात कही थी कि पार्टी को नौजवानों को अपनी तरफ आकर्षित करना है जो नहीं कर पा रही है।
और शायद आपको जब महासचिव चुना पार्टी ने, ये भी एक उम्मीद रही कि नौजवानों को आप आकर्षित कर पाएंगे? अब पता नहीं उम्मीद रही या नहीं, लेकिन हम अपने आप को तो अब देखिए सीनियर सिटीजन तो हम भी बन रहे हैं तो अब नौजवानों का, हमारा देश एक नौजवानों का देश है। तकरीबन 2/3 हमारी जनसंख्या है जो 40 साल की उम्र से कम है जी, 54% जनसंख्या है जो 25 साल की उम्र से कम है। अब उनके ख्याल, उनके जो विचार और उनके जो रुझान जो आज है, और उसके साथ संबंध रखते हुए देश के अंदर एक परिवर्तन लाना जो है, वो अपने आप में एक चुनौती होती किसी भी समय पर। लेकिन जिन हालतों में हमारी पार्टी है आज, उसके अंदर तो ये चुनौती दुगुना या कई गुना बढ़ गई। अब जितनी संभव है हम कोशिश करेंगे ये काम करने के लिए, लेकिन हम चाहते हैं कि और नौजवान जो है जिम्मेदारी लें जी। पहले गर्व लगता था जब लोग कहते थे कि भाई सबसे छोटे उम्र के आप जो है केंद्र कमेटी और पॉलिट ब्यूरो के सदस्य हो, लेकिन धीरे धीरे से ये भी ज्ञान आया कि अगर 20 साल तक छोटे ही रहे हम सबसे जी, तो इसका मतलब है कि कहीं पर कुछ गड़बड़ है। तो अब उस तरीके की गड़बड़ को दुरुस्त करना है, ये हमारे सामने सबसे बड़ी चुनौती है कि पार्टी की अपनी अंदरूनी ताकत किस तरीके से बढ़ाए। आप अभी जब जिस पार्टी कांग्रेस में महासचिव चुने गए हैं, उससे पहले अगर पिछले पार्टी कांग्रेस की बात करें, तब से लेकर इस पार्टी कांग्रेस के बीच में एक बात पर बहुत ज़्यादा चर्चा रही, और वो चर्चा ये रही कि CPI-M ने जो बड़े फैसले लिए, जो पॉलिटिकल टैक्टिकल लाइन थी, उसको किस तरह से इम्प्लीमेंट किया, और अकाउंटेबिलिटी का सवाल भी बड़ा चर्चा में रहा। और शायद ये बहुत रेयर होता है जब ड्राफ्ट रिव्यू रिपोर्ट को दोबारा अमेंड करने के लिए भेज दिया जाए पॉलिट ब्यूरो के पास, तो उसके बारे में थोड़ा सा बताइए कि ये पूरी जो एक्सरसाइज रही वो किस तरह से हुई, और आखिरकार पार्टी किस नतीजे पे पहुंची? देखिए सवाल यही था कि आखिरकार ये हो क्यों रहा, कि हमारी अंदरूनी ताकत कमज़ोर क्यों हो रही है। ठीक है, तत्काल में तत्कालीन जो निर्णय हमने जो ली, हमारी जो कार्यनीति है, जो रणनीति को आगे ले जाने वाली कार्यनीति होनी चाहिए, उस कार्यनीति के चलते हुए आगे बढ़ने की जगह हम पीछे हटे, तो उसके अंदर गलतियां रही है, और वो गलतियां क्या है वो सबको हमने रेखांकित किया। अब कोशिश यही है कि उस तरीके की गलती फिर ना हो, लेकिन वो रही बात ये 10 सालों की जी। लेकिन अगर आप मुड़कर देखें पिछले 28-30 साल से, जो उद्देश्य रहा है पार्टी के सामने, जिस तरीके से हमारा विस्तार होगा, ख़ास तौर पर ये इंडो गैजेटिक प्लेन कहिए, हम ये हिंदी बेल्ट, ये काउ बेल्ट, ये शब्द हम समझते कि सही नहीं है मतलब इस्तेमाल करना, तो ये पूरा का पूरा उत्तरी भारत का इंडो गैजेटिक प्लेन्स जो है, उसके अंदर पार्टी का विकास क्यों नहीं हो पाया, उसके बारे में विचार किया, उसके बारे में सही नतीजे पे पहुँचे जो पहले भी थे नतीजे, कि अपने देश के अंदर वर्ग संघर्ष या जनसंघर्षों को आगे बढ़ने के लिए, ये देश के अंदर हालत जो है कि लोगों की है कि दो टांगों पर खड़े जी, एक टांग है आपका आर्थिक शोषण, दूसरा टांग है आपका सामाजिक शोषण, जाति के नाम पर, जेंडर के नाम पर, ट्राइबल्स के नाम पर, माइनॉरिटीज़ के नाम पर, जो भी है। अब जब तक इन दोनों सवालों के ऊपर जन संघर्षों को मजबूत नहीं करेंगे, अगर सिर्फ आर्थिक सवालों पर करते रहें तो हम लंगड़ते रहेंगे, दौड़ने की बात छोड़िए चलना भी मुश्किल होता है जी। अब इसको दुरुस्त करना है, निर्णय लिए लेकिन लागू नहीं हो पाए, तो ये सवाल हमारे सामने आया कि ये क्यों नहीं, ये परिस्थिति को कैसे हम बदलें, तो क्या ये था मकसद इट वॉज रिव्यू डॉक्यूमेंट के लिए जी। तो क्या आप ये मानते हैं कि जो सामाजिक शोषण का सवाल है, ख़ासतौर पर जातीय आधार पर जो शोषण होता है, उसको मानने में पार्टी ने समय लगाया और उसकी कीमत चुकानी पड़ी, ख़ासतौर पर जो हिंदी भाषी क्षेत्र हैं उनमें? मानने में समय नहीं लगी है, मान्यता तो पहले से ही था, पहले दिन से, लेकिन अपने कार्य मतलब जिस तरीके से कामकाज रहा उसके अंदर इस पहलू को जितना आपको इसके ऊपर अटेंशन देनी चाहिए थी वो नहीं दिया गया, तो वो संगठनात्मक आपका जो है कमज़ोरी है जी। उस संगठनात्मक कमज़ोरी को दुरुस्त करना ज़रूरी है,
इसलिए हम कई आज की बात क्या है, हम तो ये पिछले 10-100 सालों से ये नारा दे रहे थे कि जैसे हर फैक्ट्री गेट पर लाल झंडा लहराएगा, उसी तरीके से हर गांव में हर कुएं पर जहां पर दलितों को पानी नहीं पीने दिया जाता है उस कुएं पर भी लाल झंडा लहराना चाहिए, वरना ये विश्वास पैदा नहीं होगा लोगों में। आर्थिक सवालों पर लाल झंडे के पीछे पुलिस के लाठी खाएंगे, जेल जाएंगे, गिरफ्तार होंगे, लेकिन वही लोग जब चुनाव का मौका आता है तो अपने अपने सामाजिक आधार पर जो है चुनाव के निर्णय लेते हैं किसको वोट डालना। गांव और मोहल्लों में जाके जातियों में बढ़ जाते हैं, फिर बढ़ जाती है और ये वास्तविकता है। तो जब तक इसके ऊपर सही ढंग से जितना ध्यान देकर वहाँ पर इन सवालों के ऊपर जन संघर्षों को मजबूत करना है, वो कमजोरी को दूर नहीं करेंगे। तो ये जो विस्तार की बात हम कह रहे हैं इन प्रांतों में जहाँ पर जो अपने हिंदुस्तान का आधे से ज़्यादा हिस्सा है, उन प्रांतों के अंदर ये संभव नहीं होगा। सीताराम जी, संगठन का विस्तार और उसको मजबूत करना और फिर लेफ्ट यूनिटी को मजबूत करना, वो निश्चित तौर पर आपने एक लक्ष्य के तौर पर तय किया है और इस पर चर्चा पिछले करीब एक साल से बहुत मजबूती के साथ होती रही है। लेकिन सवाल ये है कि जो ड्राफ्ट रिव्यू रिपोर्ट की जो हम बात कर रहे थे कि आपने माना कि आज जब आप महासचिव चुने गए हैं तो संसद में विधानसभाओं में सबसे कम ताकत है, लेकिन आप 10 साल पहले अगर देखें, 10 साल पहले आपकी संसद में बहुत मजबूत उपस्थिति थी, आप यूपीए आपके दम पर यूपीए की सरकार चल रही थी। जब 10 साल के रिव्यू की बात आई पर इंडिविजुअल अकाउंटेबिलिटी तय करने की बात आई तो फिर आपकी पार्टी सल्किया प्लेनम चली जाती है, 78 से रिव्यू की बात करने लगती है। क्यों नहीं जवाबदेही साफ, क्या आप ये कह सकते हैं कि इस पार्टी कांग्रेस में जो रिव्यू रिपोर्ट एडॉप्ट की गई वो बिल्कुल जो समस्याएं थीं उनका सही आकलन कर लिया गया और उनका सही निदान खोज लिया गया और जवाबदेही तय हुई है? नहीं, पूरी तरीके से ये काम नहीं हुआ। मैं अगर आप सच्चाई चाहते हो तो मैं बताऊँ आपको सर, पूरी तरीके से काम नहीं हुआ। इसलिए पार्टी कांग्रेस में भी ये फैसला लिया गया कि संगठनात्मक तौर पर, एक संगठनात्मक हम इसको प्लीनम कहते हैं, मतलब पार्टी कांग्रेस का की ही तरीके से एक प्लीनम की आयोजित करना ज़रूरी है इन्हीं सवालों को जी, इन्हीं सवालों के ऊपर कोई साफ समझ होनी चाहिए और संगठन को कैसे मजबूत करेंगे इस पृष्ठभूमि में जी, उसके बारे में चर्चा करने के लिए एक प्लीनम बुलाने का फैसला किया। वो प्लीनम होगा इसी साल में 2015 में और वहाँ पर इन सभी सवालों का पूरा जवाब जो है समझने की पूरी कोशिश हम करेंगे जी। तो ये काम अभी आधा ही मतलब चल पाए हम जी। बाकी पूरा करेंगे इस प्लेनम के बाद, उस समय पर पूरे नतीजे आएंगे। आपको यूनानिमसली एक राय से महासचिव चुना गया, इस तरह की खबरें, और चुनाव नहीं हुआ तो जाहिर है कि एक राय से आप चुने गए, लेकिन क्या ये बात सही है कि चुनाव की नौबत लगभग आ गई थी? देखिए साहब, ये मैं कहूँ कि बहुत सारे जो राजनीतिक दल हिंदुस्तान में हैं उनमें से शायद हमारी पार्टी एकमात्र है, या बहुत ही बेशी कम तो नहीं लेकिन बहुत ही कम पार्टियों में से है जो जिनके अंदर एक बहुत ही वाइब्रेंट एक इनर पार्टी डेमोक्रेसी है। हमारे यहाँ किसी भी सवाल पर सभी पहलू से राय आते हैं, उन सभी सवालों पर चर्चा होती है, बहुत बड़ा बहस होता है और उसके बाद एक सामूहिक निर्णय पर पहुँचते हैं, और यही सिलसिला हुआ इस पार्टी कांग्रेस में भी। अब दूसरे राजनीतिक पार्टियों की जिसका जो परंपरा रही है और जो आदत सी बन गई जो बड़े पार्टियों के अंदर, कहीं पर रिमोट कंट्रोल चलता है तो कहीं पर अपना परिवारवाद चलता है, तो उनको ये लगता है कि हाईकमांड तो हाईकमांड है, तो हमारे यहाँ कोई हाईकमांड है नहीं जी, हमारे यहाँ ये कलेक्टिव ये बॉडी है। तो उसके अंदर उस निर्णय में आने के लिए आप ज़रूर बहस करेंगे अलग अलग पहलुओं की, मतलब उनके कौन सा वजनदार है कौन सा नहीं है उसके बारे में चर्चा करके एक नतीजे पर पहुँचते हैं। तो ये बहस चली, अब पत्रकार हो या मीडिया हो या आप लोग हो, आजकल तो आपके अंदर भी चेतना से ज़्यादा उत्साह बढ़ गया जी, तो उनको आपको खबर चाहिए, तो जब आप देखेंगे कि भाई यहाँ पे बहस हो रही तो मतलब है कि झगड़ा है, झगड़ा नहीं वो बहस है, बहस के आधार पर निर्णय पर पहुँचे।
और वो निर्णय जो है यूनानिमस था, सामूहिक था, तो अब वही नतीजा है। तो जो भी नज़र आ रहा था लोगों को, वो कोई डिविजन्स की या मतलब लड़ाई की कोई बात नहीं, वो था सीधा सीधा हमारे पार्टी का इनर पार्टी डेमोक्रेसी इन एक्शन। पिछली पार्टी कांग्रेस से लेकर इस पार्टी कांग्रेस तक जो जवाबदेही की जो मैं बात कर रहा था, या उन गलतियों को ठीक करने की जो ज़रूरत थी, आइडेंटिफाई करना पहले और उनको ठीक करने, उसमें सबसे आगे अगर किसी का नाम था तो वो सीताराम येचुरी का नाम बार बार आ रहा था कि आप इस बात पर जोर दे रहे थे कि क्या गलतियाँ हुई हैं पार्टी से, उनको कैसे सही करना है और बाकायदा जवाबदेही तय होनी चाहिए। आपने कहा कि वो गलतियां जो हैं वो पहचान ली गई हैं और अभी प्लेनम होगा, लेकिन कई बार ये भी कहा जाता है कि केंद्रीय जनवाद के नाम पर बहुत सारी चीज़ें नहीं होने दी जाती हैं। जैसे जब आपकी भी जब बात हो रही थी, जो आप चाह रहे थे शायद केंद्रीय जनवाद के नाम पर, वो नहीं होने दी जाती हैं। अब आप खुद पार्टी महासचिव हैं, क्या आप उस बहस को बढ़ावा देंगे, उस और ज़्यादा बेहतर माहौल उसका पैदा करेंगे? बिल्कुल कोशिश तो करेंगे, वो होना भी चाहिए, क्योंकि देखिए किसी भी कम्युनिस्ट पार्टी का चलने का संगठनात्मक उसूल जो है, बुनियादी उसूल कई सारे हैं उसमें, लेकिन बुनियादी उसूल ये है कि कलेक्टिव फंक्शनिंग, सामूहिक तरीके से हम काम करेंगे, बट इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी हर व्यक्ति का जो एक पद पे है, जो रोल, जो जिम्मेदारी निभा रहा, उसकी एक जिम्मेदारी है किस तरीके से वो अपना कर्तव्य जो है पूरा कर पाया कि नहीं। अब ये कॉम्बिनेशन ही है हमारा जड़ संगठन चलाने, अब उसके बाद आधार पर हम चलेंगे। मैं पहले इस पे जोर इसलिए कर रहा था, देखिए गलती करना कोई गलती नहीं है मेरे हिसाब से या कम्युनिस्टों के हिसाब से। अगर आप जिंदा हो और एक्टिव जिंदा हो तो काम कर रहे हो तो गलती करोगे, ये स्वाभाविक है। लेकिन गलती को ना पहचानना, गलती को ना दुरुस्त करना और उन परिस्थितियों को ना बदलना कि यही गलती फिर से ना हो, ये तीनों बातें अगर नहीं होती तो तब वो गलती है। तो गलतियां तो होती रही, पहचाने गए, दुरुस्त करने की प्रयास, अगर दुरुस्त नहीं होती तो वो बहुत बड़ी गलती होगी। अब पिछले 10 साल में देखा, मतलब गिरावट जो आई है जी। तो जाहिर है कि बहुत सारे बातें जो पहचाने भी सही है उसको दुरुस्त नहीं कर पाए। तो इसलिए इस बार ये ऑर्गेनाइजेशन प्लेनम है जिसके अंदर इन सभी बातों के ऊपर बहस होगी और एक नतीजे पे आने की कोशिश करेंगे। सीताराम जी, आपने हिंदी हार्टलैंड कह लीजिए, आप हिंदी भाषी क्षेत्र उनको कह लीजिए, वहाँ पर पार्टी के विस्तार और संगठन को मजबूत करने पर विचार किया, लेकिन जो आपके गढ़ माने जाते थे पश्चिम बंगाल खास तौर पर, वहाँ जो अभी हालात हैं, केरल, जिस तरह की गुटबाजी पार्टी में ऊपर से नीचे तक नज़र आती है, ये दो अगर राज्यों की बात करूँ, बहुत बड़ी चुनौती आपके सामने है, किस तरह से बंगाल और केरल को आप देखते हैं? देखिए दोनों के अंदर समस्याएं हैं, दोनों ऐसे राज्य हैं जहां पर चुनाव अगले साल को आने वाले हैं 2016 में, अब उसके लिए तैयार होना ज़रूरी है, लेकिन दोनों की समस्याएं अलग अलग हैं और बहुत फ़र्क है दोनों में। बंगाल की बात ले लीजिए, आप जो कह रहे थे, बंगाल के अंदर आज हालत क्या है कि तृणमूल कांग्रेस की सरकार बनने के बाद हिंसा और आपके फिजिकल अटैक्स के आधार पर राजनीति चल रही है वहाँ। सबके अंदर आप देख रहे हो गिरावट, सब आंकड़ों के अंदर आप देख रहे हो कि गिरावट है, जहाँ तक गवर्नेंस का सवाल है, आपको रेप्स के सवाल को ले, एक ज़माना ये था कि कलकत्ता को कहा जाता था कि सेफेस्ट सिटी इन द वर्ल्ड जी, 2 बजे सुबह अकेले कोई भी महिला वो अपने काम से वापस जा सकती थी, वो एकदम सुरक्षित होते थे। आज कहा जा रहा है कि कलकत्ता इज द रेप कैपिटल ऑफ इंडिया, बड़ी अफसोस की बात है, लेकिन ये वास्तविकता बन रही। तो हर पहलू में आप देखिए कि गिरावट आ रही, लेकिन इस तरीके के राज को मतलब वो कंसोलिडेट कर चलाने का कोशिश वो हो रहा है आपकी एक राजनीतिक हिंसा के आधार पर। हिंसा जो है एक राजनीतिक हथियार बन गई, 2009 के चुनाव से लेकर आज तक तकरीबन 500 के करीब हमारे कार्यकर्ताओं की, सक्रिय कार्यकर्ताओं की हत्या हुई, लेकिन हम लड़ रहे हैं, हम मैदान में हैं, लड़ रहे हैं, और इसी तरीके से लड़ाई करते ही
जनतंत्र का पुनर्स्थापना बंगाल में आया था, देश को इमरजेंसी के लगाम के अंदर लेने से पहले 5 साल तक इसी तरीके की हिंसा की राजनीति बंगाल में चलाए थे उस जमाने के जो। लेकिन माफ कीजिएगा आपको टोक रहा हूँ, लेकिन जो आप बातें कह रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में बहुत हिंसा हो रही है, तृणमूल कांग्रेस जो सत्ताधारी दल है वो हिंसा का सहारा ले रही है वहाँ पर, वो बात सही हो सकती है आप कह रहे हैं, लेकिन महासचिव के तौर पर जब अगली पार्टी कांग्रेस होगी तो आपसे पूछा जाएगा या आपसे उम्मीद की जाएगी, क्योंकि सीताराम येचुरी को बहुत इंस्पायरिंग लीडर के तौर पर देखा जाता है, हमने आपकी रैलियाँ बंगाल में कवर की हैं, एक रोड मैप तो आपको देना होगा। बिल्कुल, और रोड मैप क्या है, वही तो बता रहा हूँ मैं। वो रोड मैप ये है कि कभी भी हिंसा की राजनीति को आप हरा नहीं सकते हो या डिफीट नहीं कर सकते हो जब तक उसके खिलाफ रेजिस्टेंस नहीं बढ़ाएंगे। अब ये जाहिर है, संभव है और ये होता भी है कि एक बार हिंसा की राजनीति उतर आती है तो थोड़े समय तक आप जो है चितर बितर हो जाते हो, लेकिन उसे कंसोलिडेट करके फिर रास्ते पे रखें ताकि उसका रेजिस्टेंस बढ़े, उससे टकराव होगा और उसी के चलते हुए जनतंत्र का पुनर्निर्माण होगा। वही हुआ 70 के दशक में। अब हमारी जिम्मेदारी है कि वो रेजिस्टेंस को मजबूती के साथ खड़ा करें। अब वो बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, लेकिन है। अब बंगाल में हो क्या रहा कि वो रेजिस्टेंस ना होने की वजह से आम लोगों के अंदर एक अस्थिरता पैदा हो गई, बड़ी बड़े पैमाने पर असुरक्षा। अब वो चाहते हैं कि कोई राहत उनको मिले, वो देख रहे हैं कि मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी की जो पूरा ढांचा जो था संगठनात्मक जो राहत देता था पहले, वो ढांचा जो है अब बिखर गया इन हमलों की वजह से। समय लगेगी हमें उस ढांचे को फिर पुनर्निर्माण करने के लिए। अब इस दरमियान कौन संरक्षक होगा, केंद्र में सरकार है बीजेपी का, तो क्या बीजेपी संरक्षण करेगी, तो कुछ हिस्सा जो है उधर जाए उधर मुड़ेगी। लेकिन वो खुद अपने अनुभव से सीख रहे हैं कि संरक्षण करने की बात छोड़िए, उनको इन हमलों से दूर दूर से बचा नहीं पा रही बीजेपी, तो वो भी ट्रेंड रिवर्स होगा। लेकिन मुख्य सवाल हमारे सामने ये है कि संगठन को मजबूत करें ताकि इस तरीके के हमलों का सामना करें और उसके खिलाफ प्रतिरोध को मजबूत करें, और वो है चुनौती। केरल में अगर बात करें, केरल में बाकायदा आपकी पार्टी में कहा जाता है एक ऑफिशियल फैक्शन है और एक दूसरा फैक्शन है जो अनऑफिशियल फैक्शन है। अच्युतानंदन जो बहुत पॉपुलर नेता हैं वहाँ पर, मुख्यमंत्री रहे, वो हमेशा आपकी पार्टी के बड़े नेताओं के निशाने पर रहते हैं, क्या स्थिति बदलेगी अब? बदलना चाहिए, बदलने की कोशिश करेंगे। ये अफसोस की बात है कि ये बात हमारे लिए, जिसको आप फैक्शनलिज्म कहते हैं हम या गुड़बाजी कहते हो मतलब नॉर्मल परिभाषा में, वो उस वो बीमारी जो है हमने आज की बात दी 20 साल पहले से उसको नोट कर रहे थे केरल। ठीक है, कमज़ोरी रही है, दुरुस्त किया हमने, सोचा दुरुस्त हुआ कुछ दिन के लिए, फिर दोबारा वो अपना सर जो है उसका ऊपर उठा। अब समय आ गया है जहाँ पर बिना उसको ख़त्म किए, बिना पार्टी के सामने जो संभावनाएं हैं, उस संभावनाओं को हम पूरा का पूरा उस फायदा को नहीं उठा पाए। अब वो रहेगी, वो दूसरी चुनौती है जहाँ तक केरल का सवाल है। इसके बावजूद केरल की जनता बड़ी तादाद में हमें वोट डाली थी, पिछले चुनाव में भी याद होगा आपको, सिर्फ 2 सीटों का फर्क था। और कहा जाता है कि आपकी एक फैक्शन ने हरवाया। अब ये अगर जाहिर बात है, अगर ये फैक्शनलिज्म ना होता तो ये फर्क जो है 2 सीटों का हमारे खिलाफ शायद नहीं होता और कई सीटों की बढ़त होनी चाहिए थी। अब उसको कैसे दुरुस्त करें, ये एक जरूर चुनौती है जिसका सामना करें। राजनीति पर और आपके बाकी अनुभव पर मैं बात करूंगा। आखिरी एक सवाल इस ब्रेक से पहले आपसे करना चाहूंगा कि आपके बारे में इस पार्टी कांग्रेस के दौरान और इससे पहले लगातार एक बात छप रही थी, शायद आपकी पार्टी से ही आई होगी, कि संगठन के आदमी नहीं हैं आप, संगठन के लोग SRP हैं, ये हैं, कैसे रिएक्ट करेंगे? देखिए साहब, हमारे पार्टी के अंदर और जो मैं समझता हूँ हर पार्टी के अंदर होनी चाहिए कि शब्दावली यही है कि संगठन अपने आप में कभी अलग नहीं होती। जो प्रस्ताव भी पेश किया जाता है उसे कहा जाता है राजनीतिक संगठनात्मक प्रस्ताव, सो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन रिपोर्ट। तो संगठन कोई वैक्यूम में नहीं बनता, संगठन बनता है एक ठोस परिस्थितियों में,
और ठोस परिस्थिति में राजनीतिक समझ और राजनीतिक लाइन जो आप लेते हो उसके आधार पर संगठन बनेगा और उसके आधार पर ही ये संगठन आगे बढ़ सकती है। तो ये अलग करके ये परिभाषा जो दे रहे, ये फलाना का आदमी है, ये संगठन का है, ये जो है सिद्धांत का है, ये भी लेबल लगा था हम पे जी। जो हम सिद्धांतिक प्रस्ताव जो पेश करते थे वे कहते कि ये तो सिद्धांतकार है, राजनीतिक कोई और है, संगठनात्मक कोई और है। इस तरीके के अलग अलग बंटवारा हमारे विचारधारा के चलते हुए हो ही नहीं सकती, असंभव। सीताराम जी, राष्ट्रीय राजनीति पर और कुछ और अनुभव पर आपसे बात करेंगे। एक छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद सीताराम येचुरी से ये बातचीत जारी रहेगी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। सीपीआईएम के नए महासचिव सीताराम येचुरी हमारे साथ अभी भी मौजूद हैं। सीताराम जी, अभी तक हमने आपकी पार्टी से जुड़े हुई बातें की, उनकी चुनौतियों की बात की। आपका पार्टी में एक लंबा अनुभव हो गया है। आपको कहा जाता है कि आप राजनीति में पारंगत हैं और आप हरकिशन सिंह सुरजीत के साथ ट्रेंड हुए। हम लोग जब कॉलेज में आए थे उस वक्त में हम आपको देखते थे, यूएफ की जब सरकार होती थी तो सुरजीत के साथ आप जा रहे होते थे। फिर पत्रकारिता में आए तो सुरजीत के लॉन में लालू प्रसाद यादव और बड़े बड़े नेताओं के साथ आप मौजूद रहते थे। तो किस तरह से इस अनुभव को आप शेयर करना चाहेंगे? भाई, अनुभव तो रहा, वो दौर था जब मिली जुली सरकारों का दौर रहा देश में, और पहली बार एक ऐसी संभावना पैदा हुई कि सरकारें जो बनेगी वो मिली जुली सरकार के अलावा और कोई चारा नहीं है देश की राजनीति में। कई लोग उसे कह रहे थे कि हमारी जनतंत्र जो है वो पीछे हट रही है, किसी को बहुमत नहीं मिल रहा। हमारा ये मानना था, जो आज भी है, कि ये संभव नहीं है किसी भी मुल्क में। अगर आपके सामाजिक विविधता इतना ज़्यादा है तो राजनीतिक एकता जो आपको नज़र जो अगर आया भी तो वो जो है टिकाऊ नहीं रहेगा। सामाजिक विविधता को रिफ्लेक्ट होना पड़ेगा राजनीति के अंदर। अगर रिफ्लेक्ट होना जब शुरू करेगा तब तो वो कोएलिशन एरा तो आएगी। तो इसलिए जब लोग कह रहे थे अंग्रेज़ी में दिस इज़ ए रिग्रेशन ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी, हमने कहा नहीं, दिस इज़ ए मैच्योरेशन ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी। यू आर मैच्योरिंग टू बी रिफ्लेक्टिंग द सोशल डाइवर्सिटी दैट यू हैव। और वही दौर चला आपके 30 साल, अब 20 साल तक, कम से कम डेफिनेटली 96 से लेकर अभी तक, या 89 से अगर वीपी सिंह साहब की सरकार को लेकर चले, या 20-30 साल के तक वो चली। अब जो है मेजॉरिटी जो आई लोकसभा में, लोग कहने लगे कि नहीं साहब वो रिवर्स हो गया, अब सिंगल पार्टी रूल पे आ गया। लेकिन ये भी वास्तविकता समझो ना, थोड़ी गहराई में जाने की ज़रूरत है सबको कि मोदी साहब को भी इस बार वोट कितना मिला उनको, 31%। 31% किस में से? जिन लोगों ने वोट डाला, पूरी जनसंख्या से नहीं, पूरी इलेक्ट्रेट से नहीं, जिन्होंने वोट डाला उनमें से 31%, यानी 69% लोग ऐसे हैं जिन्होंने वोट डाला लेकिन मोदी साहब के खिलाफ वोट डाला जी। लेकिन अपना सिस्टम ऐसी है जिसको वो फर्स्ट पास द पोस्ट कहते हो आप, तो उसके चलते हुए उनको सीट ज़्यादा मिली। लेकिन वास्तविकता ये है कि कोई मेजॉरिटी का सरकार आज तक, आज़ादी के बाद अभी तक 50% की मेजॉरिटी का सरकार बनी ही नहीं। दूसरे पार्टियों के साथ किस तरीके से बर्ताव करना है क्या, लेकिन एक चीज़ जो हमने सीखा, जो हम समझते हैं कि जो है और वो रहेगा देश की राजनीति में टिकाऊ, कि कोई भी गठबंधन आप जो बनाएंगे वो तभी टिकाऊ होगा अगर नीतियों के ऊपर आधारित हो। वैकल्पिक नीतियाँ नहीं दोगे, सिर्फ सत्ता के लालच में आप इकट्ठा हो जाओगे, वो कभी टिकाऊ नहीं हो सकता। और वही बताया, या जनता पार्टी की बात कहिए 1977 में, वीपी सिंह साहब की सरकार की बात करो 1989 में, या फिर देवगढ़ गुजराल साहब की सरकार 1996 में। तो ये जो मतलब सीखा है राजनीति के अंदर, उसका पूरा का पूरा प्रभाव का, उस समय का और इस सिलसिले का बहुत बड़ा प्रभाव है। सुरजीत ने जब नई पीढ़ी को लीडरशिप सौंपी आपकी पार्टी की, उस वक्त बहुत मजबूत ताकत थी संसद में। सुरजीत की उस वक्त आपकी पार्टी ने नहीं मानी जब ज्योति बासु को प्रधानमंत्री बनाने की बात आ रही थी। उसके बाद फिर
ऐसा प्रस्ताव था कि आप यूपीए की सरकार में शामिल हो जाएं, आपकी पार्टी ने नहीं बात मानी। लेकिन सुरजीत और ज्योति बासु शायद दोनों ये मानते थे, और आम तौर पर आपकी पार्टी के बारे में ये परसेप्शन है कि आप सत्ता में रहना चाहते हैं लेकिन कोई जिम्मेदारी, कोई जवाबदेही आपकी ना हो ये भी इंश्योर करते हैं। आप बाहर से समर्थन देते हैं, आप कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनवाते हैं, आप पॉलिसीज डिक्टेट करते हैं, लेकिन आप सरकार का हिस्सा नहीं होंगे और आप विपक्ष भी रहेंगे और सरकार भी चलाएंगे। देखिए, ये पहली मतलब ये इस बात को मैं थोड़ा समझाने की कोशिश करूं कि हम जो है पावर विदाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी, वही जो है सत्ता में रहेंगे लेकिन जिम्मेदारी नहीं लेंगे, ये हम समझते हैं कतई गलत है हमारे रोल के ऊपर। देखिए कि किसी भी मिलीजुली सरकार के अंदर शामिल होना या नहीं होना, इसके बारे में बहुत बड़ी चर्चा चली हमारे पार्टी के अंदर। ज्योति बसु, सुरजीत जैसे बड़े बड़े नेता जो है उनकी राय कुछ और थी, हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट की राय कुछ और हुई। पूरे पार्टी कांग्रेस में, एक पूरे पार्टी कांग्रेस में यही चर्चा हुआ और नतीजे पे जो पहुँचे वो क्या था और क्या है आज भी हमारा उसूल कि सरकार में तभी जाएंगे जब उस सरकारों की नीति का निर्देश हम कर पाएंगे, उतनी ताकत हमारे अंदर हो, वरना होता क्या है मैं आपको बताऊँ। मतलब ये कठोर लगता है कभी कभी, लेकिन ये सच्चाई है कि हम मिलीजुली सरकार में चले जाए, जैसे ज्योति बसु के समय पर हम कितने थे, 32, 272 चाहिए आपको सरकार चलाने के लिए, 272 में से 32 वही ज्योति बसु जो जाकर लोगों को वायदे किए, हम फलाना जूट फैक्ट्री सरकार ले लेगी, फलाना काम ये सरकार कर देगी, तो वो काम वो नहीं कर पाते क्योंकि उनके पास वो बहुमत नहीं थी। और वही ज्योति बासु को कई सारे ऐसे नीतियों को लागू करना पड़ा जिन नीतियों के खिलाफ हमारी पार्टी सड़कों पर संघर्ष कर रही। यानी दोनों ये पॉसिबिलिटीज़ में से, अगर दोनों में से दोनों और एक एक भी अलग से भी अगर दापे, हर समय पर हम जनता के साथ गद्दारी कर रहे हैं, जनता को से वादा देकर वोट मांगा उसको हम पूरा नहीं कर पाए। लेकिन सीताराम येचुरी जी, आपने मैं आपको अनुभव की बात बता रहा हूँ। पिछली बार मुझे लोकसभा चुनाव में कलकत्ता जाने का मौका मिला और वहाँ एक नौजवान से हावड़ा में मेरी बात हुई, मैं उससे बात कर रहा था चुनाव के सिलसिले में, तो उन्होंने कहा, साफ कहा कि 40-42 साल तक हमने एक पार्टी को लगातार वोट दे के दिल्ली भेजा, वो तो सरकार बनाए नहीं और वो सरकार में जाना चाहते भी नहीं है, वो विपक्ष में ही रहना चाहते हैं। आप ये भी कभी कह के नहीं आए ना कि हम सिर्फ विपक्ष में रहेंगे? नहीं, मैं तो इसलिए कह रहा हूँ सर, जिम्मेदारी और पावर की बात समझिए। हम जो है पावर माने, हमारे पास लाल बत्ती की गाड़ियाँ नहीं थी, मंत्री पद नहीं थे और ना हम उस तरीके से अधिकार चला रहे थे, लेकिन जिम्मेदारी निभा रहे थे कि उस सरकार को जिंदा रखे। मनमोहन सिंह साहब की सरकार हो पहले 4 साल, या देवगौड़ा और गुजराल साहब की सरकारें हों, या वीपी सिंह साहब की सरकार हो, इन सबको हम जो है जिंदा रखे चलाएं, वो जिम्मेदारी हमने ली। सत्ता का लालच या सत्ता का मोह नहीं था, तो उल्टा है बात, हम जिम्मेदारी लेते हैं बिना सरकार में गए हुए, ना कि सरकार का फ़ायदा उठाते हैं जिम्मेदारी ना निभाते हुए गैर जिम्मेदारी तरीके से। तो हमारे ऊपर आरोप अगर लगना है तो वो उल्टी होनी चाहिए, नॉट पावर विदाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी बट रिस्पॉन्सिबिलिटी विदाउट पावर। आप जैसे मैंने कहा और आपने माना भी कि सुरजीत साहब के साथ आपका लंबा अनुभव रहा, और ये न सिर्फ आपकी पार्टी में माना जाता है, बाहर भी मानते हैं कि आप गठबंधन की राजनीति और जो देश के अभी राजनीतिक हालात हैं उसको बहुत बेहतर तरीके से और तेज़ी से समझते हैं। अब आप महासचिव हैं पार्टी के, तो क्या जनता पार्टी का विलय, जनता परिवार का विलय हो रहा है, अभी पूरा नहीं हुआ लेकिन हो जाएगा उस तरह का, तो किस तरह का आप देखते हैं कि अगर बाकी पार्टियों के साथ संबंध की बात करूं, मैं गठबंधन की बात करूं, संघर्षों की बात करूं, आंदोलन की बात करूं, तो किस तरह से आज की स्थिति का आकलन करते हैं? देखिए, जो जनता परिवार का एक होने का या उसके बारे में जो सिलसिला चल रहा, हम उसका स्वागत करते हैं, कई पहलुओं से स्वागत करते हैं। आज की जो बात हुआ, वर्तमान राजनीति और जो हमले जो आज की सरकार की तरफ से जो आ रहे हैं, आर्थिक नीतियों का हो या सांप्रदायिकता का, उस पहलू से भी, दूसरी अगर आप ऐतिहासिक पहलू भी निकालिए कि देश के अंदर वामपंथी आंदोलन के दो भाग थे,
एक था कम्युनिस्ट वामपंथी, एक था समाजवादी वामपंथी। लोहिया और EMS नंबूदरीपाद के बहसें, आचार्य नरेंद्र देव और एक गोपालन के बहसें जो है आज भी मतलब कई लोग याद करते हैं। और वो एक ऐसा बहस था कि क्या सवाल क्या था कि किस तरीके से हिंदुस्तान निर्माण हो रहा, क्या होगा हालत हमारे देशवासियों का। अब वो एजेंडे को, देश के एजेंडे के ऊपर इन्फ्लुएंस करना कि जो वामपंथियों विचारधारा की जो ताकत रही है वो बिखर गई। कम्युनिस्ट धारे में भी मतलब ये टूट फूट हुआ, लेकिन उससे भी कई गुना ज़्यादा आपके समाजवादी धारे में हुआ। कांग्रेस से लेकर BJP तक वो सब बट गया। अगर वो समाजवादी धारा फिर से वापस इकट्ठा हो रहा है तो अच्छी बात है, देश के लिए अच्छी बात है। अब यही हम उम्मीद कर रहे हैं कि वो ना सिर्फ नेता की चुनाव की बात करें लेकिन वो अपने कार्यक्रम का और जो काम आज के दिन वो करना चाहते हैं देश के हित में, जनता के हित में, वो आगे रखें। तो आज के दिन मिली जुली सरकारें जब चुनाव का मौका आएगा तब तो बनेगी वो अलग सिलसिला। हमारे लिए जो मेन मकसद ये है कि अगर पार्लियामेंट में भी संख्या बढ़ाना है जी। और स्टेट के असेंबली में भी बढ़ाना है ताकि हमारी सरकार वापस आए जी। तो बिना हमारी जनता के साथ संबंध मजबूत हुए ये असंभव है। उसके लिए हमारे संगठन को मजबूत करना, हमारी स्वतंत्र ताकत को मजबूत करना, उसके आधार पर वामपंथी एकता को मजबूत करना, मतलब ये है रास्ता जो आपने पहले ही बताया था, तो उस रास्ते पे चलना है। लेकिन प्रमुखता क्या है? प्रमुखता है कि हम अपने आप को और हमारे नेतृत्व में जनसंघर्षों को मजबूत करें। बिना उसके पार्लियामेंट के अंदर भी हमारी भूमिका जो होनी चाहिए वो पूरा नहीं हो पाएगी। लेफ्ट यूनिटी और जनता परिवार की बात हुई, बीच में इस तरह की भी चर्चा थी CPI-CPM का मर्जर हो जाए, क्या राय है आपकी इस? देखिए, मर्जर एजेंडे पे नहीं है। जैसे देखिए जनता परिवार आ रही है साथ में, जब लोग कहते हैं आप लोग भी क्यों नहीं आ जाते। आखिरकार CPI एक था पर एक ज़माने में, उसी से तो निकले अलग अलग अंग और सबसे बड़ा तो हम बने CPI-M। तो ये निकले कुछ सिद्धांतिक सवालों पर ना, कुछ सिद्धांतिक सवालों का जो आचरण जो हो रहा है उसके अनुभव पे। तो उस कम्युनिस्टों की एकता जो है गैर सिद्धांतिक एकता नहीं बन सकती, वो किसी चुनाव को ध्यान में रखते हुए या किसी इमीडिएट सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए वो पार्टियां मर्ज नहीं हो सकती। ज़रूर मिलकर काम कर सकते हैं जो हो रहा आज। तो देखिए दो तरीके से पार्टियां मर्ज होगी, ऊपर से अगर आप और हम दो अलग अलग गुट के नेता हैं हाथ मिलाकर हम कह दें कि हम एक हो गए, ये कभी टिकाऊ नहीं होता। या नीचे से जन संघर्षों के द्वारा अपने अलग अलग जन संगठन, किसान है, ट्रेड यूनियन है, छात्र है, नौजवान है, महिला है, ये सब अपने अपने संघर्षों के द्वारा इकट्ठा इन संघर्षों को बेसिकली आप कह रहे हैं कि लेफ्ट फ्रंट की जो आपकी सोच है वही आगे बढ़ेगी, उसी को मजबूत। और हम समझते हैं कि यही वास्तविकता है, यही असलियत है, बिना इसके और कोई चारा नहीं है। आपने ब्रेक से पहले पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशनल रिपोर्ट की बात की थी, अगर मैं आपसे पूछूं कि आगे का जो रास्ता है कठिन हो सकता है लेकिन क्या पार्टी बिल्कुल स्पष्ट है आज के राजनीतिक हालात को लेकर, कौन आपका मुख्य दुश्मन है, भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस या दोनों, या वक्त वक्त पे आप जैसे आप शायद पहले ऐसे महासचिव हैं जो संसद में भी हैं, राज्यसभा में आप नेता हैं पार्टी के, तो कई बार ऐसा लगा एक वक्त में जब UPA की सरकार थी कि BJP और लेफ्ट मिलके सरकार को घेर रहे हैं, अभी ऐसा लगता है कि कांग्रेस और लेफ्ट मिलके सरकार को घेर रहे हैं। देखिए ये सब तत्काल में आपको नज़र आएगी जो ठोस परिस्थितियां हैं पार्लियामेंट के अंदर किसी भी समय पर। लेकिन सवाल यहाँ पर देखिए जो गठबंधनों की बात हो रही है ना पार्टियों के बीच में, मैं समझता हूँ कि वो परिभाषा बदल चुकी है। बेशक दूसरे पार्टियाँ कब पहचानेंगे कब नहीं, अब सवाल जो है नीतियों पे आ चुका है। पहले क्या था कि आर्थिक नीतियाँ कांग्रेस पार्टी कर रही थी, सांप्रदायिकता BJP कर रहा है। अब क्या देख रहे हो आप इस मोदी सरकार से, आर्थिक नीतियाँ मनमोहन सिंह साहब से भी तेज़ आगे को ले जा रहे हैं मोदी साहब और ये मोदी सरकार। सांप्रदायिकता और सांप्रदायिक हमले जो हो रहे हैं, चर्चों पर हमले हो रहे हैं, या आपके अजीब व गरीब जो विचित्र तरीके से आपकी शिक्षा का व्यवस्था बदला जा रहा है या आपके वैज्ञानिक संस्थाओं को बदला जा रहा है, और ये सब घर वापसी हो, लव जिहाद हो,
ये सब जो घटनाएं हो रही है या बयान हो मंत्रियों के, ये सब जो हो रहे हैं इसी सरकार के संरक्षण में हो रहे हैं। तो अब ये दोनों मिल गए हैं एक एजेंडे में। आर्थिक संस्करण जो जनता के ऊपर आर्थिक बोझ बढ़ा रही है बड़ी बेरहम से, और दूसरी ओर से ये साम्प्रदायिकता फिरका परस्ती की राजनीति जो एक भाई को दूसरे भाई से लड़ा रही है, ये दोनों एक ही एजेंडे के रूप में बदल रहा है। और इस मोदी सरकार का ये दो पहलू है एक ही सरकार का एजेंडे का, मुख्य दुश्मन ये एजेंडा है जी। तो सीताराम येचुरी, बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो आपसे करना चाहते थे लेकिन बहुत लंबा समय आपने हमें दे दिया है अपने व्यस्त कार्यक्रम से समय निकाल के। जाते जाते एक छोटा सा संक्षिप्त जवाब दीजिएगा कि 10 साल पहले जहां आपकी पार्टी खड़ी थी सुरजीत के ज़माने में, वो उम्मीद आपसे की जा रही है और आपको माना जाता है कि आप उनके अंडर ट्रेंड हुए हैं, दबाव महसूस करते हैं या इंस्पायर्ड महसूस करते हैं? दोनों जनाब, दोनों है। मतलब जज्बात की तौर पर आप देखें तो एक इंस्पिरेशन है, एक बड़ी चुनौती है, और चुनौती का सामना करते ही आज हम यहाँ तक पहुँचे। याद होगा आपको राज्यसभा में हाल ही में जब हमने वो अमेंडमेंट को वोट करवाया था, हमारे अभिभाषण अभिभाषण पे जो संशोधन हमने लाया था, तो चेयरमैन महोदय देश के उपराष्ट्रपति वो खुद हमसे सवाल पूछेंगे कि ये क्यों आप संशोधन ला रहे हो, आप जानते हो मतलब इसका क्या होगा परिणाम। हमने कहा सर देखिए हम आपकी अपील मान लेते हैं नॉर्मली, ये संशोधन को वापस ले लेते हैं क्योंकि आपने हमें अपील किया, लेकिन आज यहाँ पे माननीय प्रधानमंत्री हमें चुनौती दे रहे हैं लड़ने के लिए, ये हमारे चरित्र और स्वभाव में नहीं है कि आप भाग जाएं। हाँ, कि लड़ाई का चुनौती मिला और हम पीछे हट जाएं, तो वही है हमारी, ये मतलब व्यक्तिगत रूप से देखो ये है चुनौती, सामने है बहुत बड़ा कठिन काम, उसको करना है, और अगर ये सही ढंग से करें तो 10 साल पहले की जो हालत है उससे बेहतर होगी, अगर नहीं करें तो आप और हम खुद देखेंगे। सीताराम येचुरी जी, राज्यसभा टीवी की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद। तो ये थे CPI-M के नए महासचिव सीताराम येचुरी। एक और मेहमान के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए मुझे अनुमति दें, नमस्कार।